वो रेल के संदर्भ में है कि भारतीय रेल जो भारत में सर्वाधिक रोजगार देती है, लगभग 13 लाख कर्मचारी भारतीय रेलवे में काम करते हैं। उनको रेलवे कई प्रकार की सुविधाएं, कई प्रकार के भत्ते वेतन देती है। भारतीय रेल रोजगार के साथ साथ बिखरे हुए क्षेत्रों को जोड़ती है और देश की राष्ट्रीय अखंडता का भी संवर्धन करती है। चाहे युद्ध का समय हो, आपातकाल का समय हो, चाहे कौन सा ही समय हो, भारतीय रेल निरंतर भारतवासियों के साथ जुड़ी रही है। वर्तमान कोरोना काल में भी भारतीय रेल निरंतर चलती रहती है। कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि भारतीय रेल बंद हो चुकी है, ये सिर्फ अफवाह थी। सिर्फ सवारी गाड़ी बंद हुई थी, उस समय भी मालगाड़ी चलती थी। भारतीय रेल तो हमेशा अपने देश के साथ चलती है, अपने देशवासियों के लिए चलती है। उसी के संदर्भ में मैंने यह कविता लिखी है जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आपकी इजाज़त चाहता हूँ, मुझे कमेंट करके बताएं। शुरू करूँ? आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला तो मैं कविता शुरू करता हूँ। जितने लोग जुड़े हैं, चलो शुरू करते हैं। मैं रेल हूँ, कोई सुनो मुझे। भारतीय रेल क्या कहती है, भारतवासियों से क्या कहती है भारतीय रेल, इसी संदर्भ में यह कविता लिखी गई है कि भारतीय रेल किस प्रकार भारतवासियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी संदर्भ में यह कविता है। और भारतीय रेल किस प्रकार आपको पुकारती है, देखिए। मैं रेल हूँ, कोई सुनो मुझे। मैं रेल हूँ, कोई सुनो मुझे। युद्धकाल आपातकाल कई बुरे विध्वंसक काल मैं खड़ी अटल आपके साथ, हर घड़ी पकड़ आपका हाथ। मैं रेल हूँ, कोई सुनो मुझे। मैं रेल हूँ, कोई सुनो मुझे। युद्धकाल आपातकाल कई बुरे विध्वंसक काल मैं खड़ी अटल आपके साथ, हर घड़ी पकड़ आपका हाथ। मैं रेल हूँ, कोई सुनो मुझे। आगे क्या है, रेल कहती है कि मैं इतनी लंबी होती हूँ फिर भी कभी अहंकार नहीं करती हूँ। इसी संदर्भ में है। अहंकार नहीं मुझे इतनी लंबी कैसे हूँ, बड़े सफ़र के बाद नहीं कहती मैं थकती हूँ। थोड़ी रुकी फिर चली, यही सतत प्रयास है। थोड़ी रुकी फिर चली, यही सतत प्रयास है। मैं भारत की रेल कभी नहीं रुकती हूँ, मैं भारत की हमराही कभी नहीं रुकती हूँ। मैं भारत की रेल, कोई सुनो मुझे। अभी कुछ दिनों पहले ही एक रेल हादसा हुआ था, जिसमें हमारे मजदूर भाई जान गंवा बैठे थे। उसका कारण यह था कि उन मजदूरों को यह पता था कि भारतीय रेल बंद हो चुकी है। लोगों की अफवाहों ने उनकी जान ले ली। उनको पता नहीं था कि अभी भी मालगाड़ी चलती है, माल की ढुलाई करती है। इसी कारण वो लोग रेलवे ट्रैक पे अपना सफ़र करने लग गए और इसी बीच रास्ते में ही ट्रैक पर सो गए और वो रेल के हादसे का शिकार हो गए, अपनी जान गंवा बैठे। और बड़ा दुख तो इस बात का होता है कि लोग इस हादसे का जिम्मेदार रेल को ठहराते हैं। तब रेल क्या कहती है, सुनिए। मैं रेल हूँ, कोई यमराज नहीं। मैं रेल हूँ, कोई यमराज नहीं। हादसे का हो जाना मेरे बस की बात नहीं। हादसे का हो जाना मेरे बस की बात नहीं। तुम लोगों की गलती मेरे मन की बात नहीं। किसी की जान लूँ ये मेरा मिजाज नहीं। किसी की जान लूँ ये मेरा मिजाज नहीं। पुनः सुनिए। मैं रेल हूँ, कोई यमराज नहीं।
हादसे का हो जाना मेरे बस की बात नहीं, तुम लोगों की गलती मेरे मन की बात नहीं, किसी की जान लूँ ये मेरा मिजाज नहीं, मैं रेल हूँ, कोई सुनो मुझे। अब कुछ पंक्तियाँ मैं उन कर्मचारियों को समर्पित करता हूँ जो रात दिन रेलवे के साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मैं भी एक कर्मचारी हूँ तो मैं उनके बारे में पूर्णतः परिचित हूँ कि किस तरह वह रेल के साथ साथ अपनी ड्यूटी करते हैं। किसी की ड्यूटी दिन में, किसी की नाइट में, किसी की सुबह, किसी की शाम को, कभी कभी तो ड्यूटी के बाद भी कार्य करना पड़ता है। उन्हीं कर्मचारियों को समर्पित कुछ पंक्तियाँ हैं, सुनिए। कि संचालित करना मुझे इतना आसान नहीं, संचालित करना मुझे इतना आसान नहीं, सैकड़ों लोग कार्यरत, चंद लोगों का काम नहीं। अभी मैंने बताया भी था कि 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं रेलवे में, भारत का सबसे बड़ा विभाग है जो लोगों को सर्वाधिक रोजगार देता है। कि संचालित करना मुझे इतना आसान नहीं, सैकड़ों लोग कार्यरत, चंद लोगों का काम नहीं, दिन रात मेरे साथ है चलते, दिन रात मेरे साथ है चलते, उन कर्मचारियों की मेहनत का कोई माप नहीं, मैं भारत की रेल, कोई सुनो मुझे, मैं भारत की रेल, कोई सुनो मुझे। भारतीय रेल प्रतिदिन कई यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। लगभग प्रतिदिन 231 लाख यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है भारतीय रेल, और लगभग 33 लाख टन माल की भी ढुलाई करती है। तो आगे पंक्तियां हैं, लंबे सफ़र के बाद थोड़ी आह भरती हूँ, मुस्काता देख पथिक मैं भी मुस्काती हूँ, कह अलविदा उसे फिर से चल देती हूँ, मैं भारत की रेल कभी नहीं रुकती हूँ, हम दर्द दोस्त की तरह किससे तुम्हारे सुनती हूँ, मैं भारत की रेल कभी नहीं रुकती हूँ, मैं भारत की रेल कभी नहीं रुकती हूँ। और अब ये इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ हैं, क्या कहती है रेल, कि मैं मान हूँ, अभिमान हूँ, भारत का सम्मान हूँ, कई कर्मचारियों की जान हूँ, मुसाफिर के लिए अधिष्ठान हूँ, और जो समझे मुझे उनके लिए जहान हूँ, मैं रेल हूँ, कोई सुनो मुझे। मैं मान हूँ, अभिमान हूँ, भारत का सम्मान हूँ, कई कर्मचारियों की जान हूँ, मुसाफिर के लिए अधिष्ठान हूँ, और जो समझे मुझे उनके लिए तो मैं जहान हूँ, मैं भारत की रेल, कोई सुनो मुझे, मैं भारत की रेल, कोई सुनो मुझे। मुझे कमेंट करके बताएं कैसी लगी मेरी कविता, ताकि मैं अगली कविता प्रस्तुत कर सकूँ आपके सामने। जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाप की इजाज़त चाहता हूँ, अगली कविता मेरी कि ये 62 का भारत नहीं, अब रूप परशुराम का। अभी पिछले दिनों 15 जून की रात को गलवान में भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी, आप सभी को पता है, जिसमें हमारे भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और इसी प्रसंग में मेरी कविता सुनाता हूँ। क्योंकि चाइना ये समझता है कि हमने 62 का युद्ध जीत लिया तो इसका मतलब भारत कमज़ोर है, पर चाइना को ये पता नहीं कि ये नया भारत है। अब ये वो भारत है जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, अब ये वो भारत है जो कोरोना की विषम परिस्थिति में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी प्रसंग में कविता प्रस्तुत करता हूँ, आप सभी की इजाज़त चाहता हूँ, शुरू करता हूँ। कि ये 62 का भारत नहीं, अब रूप परशुराम का। ये 62 का भारत नहीं, अब रूप परशुराम का, अब डूबेगी तेरी नैया ये देश वीर जवान का, खेतों की हरियाली संभाले ये देश उस किसान का, और दुष्टों का नाश करे
ये तीर है उस कमान का, ये तीर है उस कमान का, ये बासठ का भारत नहीं। अब रूप परशुराम का। आगे की पंक्तियाँ सुनाता हूँ। किसी व्यक्ति ने सही कहा था कि यदि युद्ध में ब्रिटिश अधिकारी हो और अमेरिकी हथियार हो और भारत की सेना के जवान हो तो उस युद्ध को हराना मुश्किल है। तो भारत के जवान के बारे में उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। इसी प्रसंग में आगे सुनाता हूँ आपको। हम लोगों को सिर्फ यही बताया गया है कि भारत और चीन के मध्य 1962 में युद्ध हुआ था और जिसमें भारत पराजित हुआ था। हमको ये क्यों नहीं बताया जाता कि भारत को उसमें छल कपट से, विश्वासघात से हराया गया था। भारतीय चीनी भाई भाई का नारा लगाकर उन लोगों ने विश्वास से 62 का युद्ध जीता। हम लोगों को ये क्यों नहीं बताया जाता कि 62 के बाद सन 1967 में भी युद्ध हुआ था और 67 में चीनी सेना दो बार भाग चुकी थी और उसके बाद 87 में भी चीनी सेना घबरा गई थी। हम लोगों को ये कभी नहीं बताया जाता। तो इसी प्रसंग में सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। कि 62 का छल करके इतिहास बताने आए हो, कि 62 का छल करके इतिहास बताने आए हो, भारत माँ के लाडलों को पीछे हटाने आए हो। अरे याद करो सन 67 को तब तुम भोक लाए थे, अरे याद करो सन 67 को तब तुम भोक लाए थे, 87 की बात करे तब भी तुम घबराए थे, ये 62 का भारत नहीं। अब रूप परशुराम का, ये 62 का भारत नहीं, अब रूप परशुराम का। सेना वाले हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि हमने 62 का युद्ध जीत लिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे पास इतने हथियार है। परंतु चाइना वाले अभी भारतीय हथियारों से अनभिज्ञ है। भारत के पास भी शक्तिशाली हथियार है। इसी प्रसंग में कुछ पंक्तियाँ है कि अतीत गायन में व्यस्त चाइना भारत को आँख दिखाता है, अतीत गायन में व्यस्त चाइना भारत को आँख दिखाता है, हथियारों के दम पर भारत को धमकाता है। सुकोई ब्रह्मोस मिग मिराज की शक्ति से तुम अनजान हो, सुकोई ब्रह्मोस मिग मिराज की शक्ति से तुम अनजान हो, ये 62 का भारत नहीं। अब तो तुम संज्ञान लो, ये 62 का भारत नहीं, अब तो तुम संज्ञान लो। हमारे पास भी शक्तिशाली हथियार है, मिसाइल है ब्रह्मोस, जो सर्वश्रेष्ठ मिसाइल है, जिसको हम जल से, थल से, वायु से कैसे भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। सुकोई 30 है हमारे पास, मिग है, मिराज है, आदि कई लड़ाकू विमान है। इसी प्रसंग में यह कहा गया है, आज चाइना पूरी तरह से गिरा हुआ है। सभी देशों ने चाइना की तरफ अपना डेरा डाला रखा है। चाइना पूरे विश्व में अपमानित हो चुका है। कोरोना वायरस की वजह भी चाइना ही है। तो इसी प्रसंग में चार पंक्तियां है कि विश्व में अपमानित तुम अपनापन क्या जानोगे, विश्व में अपमानित तुम अपनापन क्या जानोगे, शहीदों की शहादत भी तुम क्या खाक जानोगे, शहीदों की शहादत भी तुम क्या खाक जानोगे, मिला मान मिट्टी में तेरा अब तो तू पछताएगा, मिला मान मिट्टी में तेरा अब तो तू पछताएगा, ये 62 का भारत नहीं जो तुझसे घबराएगा, ये 62 का भारत नहीं जो तुझसे घबराएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु फिर भी मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। शायद कुछ मिस्टेक होगी, मेरी स्क्रीन पे कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। किसी प्रसंग में किसी कवि ने सत्य ही कहा था, किसी कवि ने क्या कहा था वो दो लाइनें मैं आपको समर्पित करता हूँ। कि भारत के पास सुरक्षित है एक आर्थिक हथियार, भारत के पास सुरक्षित है एक आर्थिक हथियार, हिल जाएगा चीन यदि हमने कर दिया उसके माल का बहिष्कार, हिल जाएगा चीन यदि हमने कर दिया उसके माल का बहिष्कार। हमें होती कोशिश चाइना का माल नहीं खरीदना चाहिए, जहाँ तक हो सके हमें चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप चाइना का सामान खरीद चुके हो तो उसको फेंको, उसको बर्बाद करो, लेकिन
जो नया सामान खरीदो तो होते कोशिश हमें इंडिया की कंपनी का ही खरीदना चाहिए। अंत में मैं दो पंक्तियाँ और कहना चाहता हूँ आपको इस कविता की कि गीदड़ भभकी खूब सही उठे कुठार परशुराम का, गीदड़ भभकी खूब सही उठे कुठार परशुराम का, चाइना को याद दिलाओ यह देश है वीर जवान का, चाइना को याद दिलाओ यह देश वीर जवान का, ये 62 का भारत नहीं अब रूप परशुराम का, ये 62 का भारत नहीं अब रूप परशुराम का। आज किस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी है कवि महेंद्र कुमार कुमावत, तो अब एक कविता कवि महेंद्र कुमार कुमावत भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जुड़े रहिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का, आप सभी का स्नेह इसी प्रकार बना रहे। और अब अगली कविता आपको कवि महेंद्र कुमार कुमावत सुनाएंगे, जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आ जाइए सर। नमस्कार सर, आपने मुझे पहले भी सुना था, एक दिन 14 जून को मेरा प्रोग्राम था, उसके बाद में एक अभी हाल ही में एक घटना घटी है। केरल के अंदर गर्भवती हथनी को उसके फलों के साथ विस्फोटक सामग्री पदार्थ मिला के उसको खिला दिया गया, जिससे उसके मौत हो गई। ये मानवता को तार तार करने वाली घटना थी, इससे दिल दहल गया था। कहने को तो ये केरल एक शिक्षित राज्य साक्षरता में बहुत आगे, लेकिन जब केरल के अंदर ऐसी दर्दनाक घटनाएं हो जाती है, मानवता जब कहीं दिखाई नहीं देती है, तो दिल से साफ दर्द निकलता है। मैं उसी संदर्भ में एक कविता प्रस्तुत करता हूँ कि वो जो उसके अंदर जो गर्भवती थी हथनी और उसके अंदर जो बच्चा था, उस बच्चा वो कह रहा है उसके भाव है कि क्या बिगाड़ा था तेरा, वो पूछ रहा है कि क्या बिगाड़ा था तेरा, क्या मैंने गुनाह किया, पूछ रहा उस माँ का बच्चा जिसे कोख में ही स्वाह किया। आगे क्या पूछता साहब, क्या कहता है कि मैंने सुना था मानव तो सब धर्मों का अनुयायी है, जीव जंतुओं के प्रति जहन में दया भावना छाई है, मैंने सुना था मानव तो जीवों का साथी होता है, सुख दुख में रहे सदा तत्पर ऐसा खेराती होता है, तो फिर क्यों माँ का जिस्म जलाकर मुझ पर ही घात किया, पूछ रहा उस माँ का बच्चा जिसे कोख में ही स्वाह किया। अब आके वो भगवान से कहता है, क्या कहता है साहब सुनिएगा कि अरे झूठ बताया रब ने मुझको मनुष्य के चरितार्थ को, दानव से भी निर्दय है ये थू ऐसे पुरुषार्थ को, पीठ में खंजर घोंप कर दूर हटे सब मौन हुए, दो जानों का कत्ल किया है कातिल कौन कौन हुए, मेरे हत्यारों को सजाए मौत मिलनी चाहिए, आंख न खुल पाई मेरी पर दुनिया की आंखें खुलनी चाहिए, अब न हो जुर्म किसी पे जो मेरे साथ किया, पूछ रहा उस माँ का बच्चा जिसे कोख में ही स्वाह किया। शुक्रिया सर, मेरी एक छोटी सी कविता थी। अब मैं आपको एक और कुछ दो तीन छंद सुना देता हूँ छोटे छोटे। मैं आपको मैंने पहले बताया था कि मैं शहीदों पे लिखता हूँ, और तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ कि झुक झुक कर वंदन चरणों में फूल मातृभूमि को गढ़ा देना, आने वाली नस्लों को भी राष्ट्रवाद तो पढ़ा देना, पानी पानी को तरसे पर अरियों को पानी पानी किया, मर कर भी रहे अमर दिल में दो शब्द उनको भी चढ़ा देना। अब मैं सैनिकों पर बोलता हूँ, अभी हाल ही में गलवान घाटी के अंदर जो चीनी द्वारा मुठभेड़ हुई थी, उसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, तो मैं ऐसे हमारे सैनिक कई शहीद होते हैं आतंकवाद से पाकिस्तान की सीमा पे चीन की तरफ, तो ऐसे कई शहीद, फिर भी उन पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगा दिए जाते हैं, सब दर्द होता है सब कि पढ़ता हूँ एक छंद कि सन देकर तन करे वतन को चमन, जन जन की जुबा पे जय जय हो देश की,
कि सन देकर तन करे वतन को चमन, जन जन की जुबा पे जय जय हो देश की। दुष्ट रहे दूर दूर या हो दानवों से, किंतु सज्जनों से मित्रता निभाए प्रजा देश की। सज्जनों से मित्रता निभाए प्रजा देश की। राजनीति राजाओं की रज रज को राख बनाए, पर मन मन में मान महफूज माटी का हो इस देश की। मन मन में मान महफूज माटी का हो इस देश की। और अब गोरी ना चल पाई 17 चाल पृथ्वीराज पर, पहले ही चाल में सीना छेदे गोली इस देश की। शुक्रिया सर, एक छंद और आप तक पहुंचाता हूं मैं, कि मुझे कहा कि यार तू दूसरी प्रकार की कविता लिखे, इससे निको भी मत लिखा कर। तो मैंने कहा कि देश के जवान का करुणा जो बखान मित्र, कि देश के जवान का करुणा जो बखान मित्र, हीरो हीरोइन के चरित्र चित्र गाऊं क्या। भूल जाऊं माँ के बेटे जो है सीमाओं पे लेटे, रक्त 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 की कहानी को ले जाऊं क्या। रक्त 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 की कहानी को ले जाऊं क्या। और भूल जाऊं बलिदानी बागियों की बगावत, वो हल्दी घाटी की माटी की परिपाटी भूल जाऊं क्या। वो हल्दी घाटी की माटी की परिपाटी भूल जाऊं क्या। और भूल जाऊं छत्रपति शिवाजी महाराज को बताइए मैं 3 लाडलों की फांसी भूल जाऊं क्या। कमेंट कीजिए सर, बताइए सर कैसा लग रहा आप हमें सुन रहे, इसके लिए तहे दिल से। अब एक दो बंद और सुना देता हूँ, इसके बाद टाइम भी लगभग होने वाला है। हमारा देश सहिष्णु देश है, यहाँ पे सब धर्मों को बराबर आज़ादी है, स्वतंत्रता है, फिर भी कुछ लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। मैं वहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ कि व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो, लेकिन अगर वो वापस सही रास्ते पे आ जाता है तो उसको क्षमा कर दिया जाता है, और अगर नहीं आता है फिर उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। कि जहन और बदन व सदन से हो दुष्ट, किंतु सत्य के समक्ष सर्व सर्वदा सहारा है। कि जहन और बदन व सदन से हो दुष्ट, किंतु सत्य के समक्ष सर्व सर्वदा सहारा है। जय चंद जाफर हो या हो देश द्रोही दुष्ट, जय चंद जाफर हो या हो देश द्रोही दुष्ट। पहली गलती पर उसको भी पुचकारा है, पहली गलती पर उसको भी पुचकारा है। बार बार किया प्रयास समझाने का पर, बार बार किया प्रयास समझाने का पर नहीं समझा तो उसको भी ललकारा है, नहीं समझा तो उसको भी ललकारा है। और जिस दिन भर गया घड़ा पाप कर्म का, चक्र धारण कर शिशुपाल को भी मारा है। शुक्रिया सर। अभी हिंसाएं हुई है हमारे देश के अंदर, हिंसा अहिंसा के नाम पे हिंसाएं हो रही है। कहने को तो अहिंसा बताई जाती है, लेकिन असल में बसें जला दी जाती है, ट्रक जला दी जाती है, बिल्डिंगें जला दी जाती है, इमारतें जला दी जाती है। सर, जलाने से कुछ देश हल नहीं होगा, जलाने से, तोड़फोड़ करने से, ये राष्ट्र को क्षति पहुंचाने से समस्या का हल नहीं होगा साहब। मैं पंक्तियां ये करता हूं कि सज्जनों के जख्मों को कुरेद कर दुर्जनों अहिंसा अहिंसा में हिंसा मत कीजिए। कि सज्जनों के जख्मों को कुरेद कर दुर्जनों अहिंसा अहिंसा में हिंसा मत कीजिए। मत बनी ये विद्रोही भारत के देशद्रोही, ईर्ष्या के कोतूहल में हलाहल मत पीजिए। ईर्ष्या के कोतूहल में हलाहल मत पीजिए। भारत की माटी में बसती है जान अपनी, अपने ही हाथों से अपनी जान मत चीरिए, अपने ही हाथों से अपनी जान मत चीरिए। खंड खंड जोड़कर बनाना है अखंड उसे, अखंड बनने से पूर्व खंड खंड मत कीजिए। शुक्रिया सर, अब टाइम भी हो चुका है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमें सुन रहे, आपने हमें सुना। मैं एक छोटे से 4 और 5 और बंद आप मुझे मिल गए, तो मैं वहीं से एक सुना देता हूँ, थोड़ी छोटी सी कविता आतंकवाद के ऊपर। कि हमें उनको खंड खंड करना जो खंडित भारत को करते, आतंकवाद जय चंद हो या नक्सलियों में लोहा भर दें। सीमा के पार तिरंगा हो आतंकी घुटने टेक रहे, भारत के बच्चे बच्चे की बोली में हिंदुस्तान रहे। जाहिल जालिम के मनसूबे, जाहिल जालिम के मनसूबे, भारत में सब नाकाम रहे।
आतंकवाद मर जाए गर सदियों तक तेरा नाम रहे। मैं देश के मुखिया से निवेदन करता हूँ कि आतंकवाद मर जाए गर सदियों तक तेरा नाम रहे। प्रत्यंच चढ़ा कर गांडीव की अब कौरव का संहार करो। जीता था धर्म सदा जगवे में अरियों पर तुम प्रहार करो। जीता था धर्म सदा जग में अरियों पर तुम प्रहार करो। भारत के जन जन के मन में माटी की खुशबू हो सुमार। भारत के जन जन के मन में माटी की खुशबू हो सुमार। सैनिक का साथी बन करके उनको कर ढेर मार मार। सैनिक का साथी बन करके उनको कर ढेर मार मार। देंगे दुहाई सैनिक लेटे देंगे दुहाई सैनिक लेटे। जो सरहद की प्राचीरों पर हंसते हंसते जो शहीद हुए इन भारत की जागीरों पर। आतंकी आतंकी आकाओं की फांसी आतंकी आकाओं की फांसी भारत में सरे आम रहे। आतंकवाद मर जाए गर सदियों तक तेरा नाम रहे। आतंकवाद मर जाए गर सदियों तक तेरा नाम रहे। इसके लिए मैं पुनः आपको सभी का टाइम हो गया वैसे मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इतना अमूल्य समय देकर दिया। इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देवेंद्र जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया।